कांग्रेस के पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती सरकार गिराकर और विधायकों को अपने पक्ष में कर की है। साथ ही लक्ष्मण सिंह ने ग्वालियर चंबल को लेकर भी कहा कि वहां यदि जयवर्धन सिंह को आगे कर दिया जाए तो सिंधिया आने वाले चुनाव में अपने एक भी विधायक को नहीं जिता पाएंगे। वहीं लक्ष्मण सिंह ने जहरीली शराब पर कहा कि शराब माफियाओं के जहरीले शराब से पहले भी कई मौतें हो चुकी है, इसका कारण शराब नीति है। यदि शराब नीति में मुट्ठी भर लोगों को ही व्यापार करने की नीति बना दी जाएगी तो ऐसी स्थिति ही बनती रहेगी, इसलिए शराब नीति को सरल बनाना चाहिए। ये जहरीली शराब ग्वालियर चंबल संभाग में, तो वहां अगर हम लोग मिलकर काम करें तो वहां आप देखेंगे सिंधिया जी का एक भी आदमी नहीं जीत पाए 2023 में। ऐसी स्थिति हम ला सकते हैं अगर हम मिलकर काम करें।